बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इस बच्चे को इंजीनियर बनाना है, इस बच्चे को हमें टीचर बनाना है, इस बच्चे को हमें साइंटिस्ट बनाना है, एक नीयत करते हैं, ऐसे बच्चा पैदा होते ही माँ बाप की पहली नीयत हो कि हमें इस बच्चे को मुसलमान बनाना है, और सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं, काम का मुसलमान बनाना है, काम का मुसलमान बना, उस नीयत से उसका नाम रखा जाएगा। कैसा नाम रखें जो कोई तारीख में बड़ी कोई शख्सियत का नाम है, अंबिया के नाम है, सहाबा के नाम है, उस नाम से उसको मंसूब करेंगे। सबसे पहले तो हदीस में यही तालीम है, जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखें, और अच्छा नाम अल्लाह के नेक बंदों का नाम अच्छा नाम होता है, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अंबिया हैं, सबसे पहले अंबिया हैं, फिर सहाबा हैं, फिर सहाबा के बाद दीगर और जो गुजरे हैं, अल्लाह के नेक बंदों में से किसी नेक बंदे का नाम रखेंगे। इसे दूसरी जो जिम्मेदारी माँ बाप के जिम्मे कही गई तो उसको अच्छी तालीम देंगे। हू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा की तफसीर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने यही फरमाया कि इनको दीन सिखाएं, उनको अच्छी तालीम देंगे, उनको चलना उठना बैठना सोना जागना सिखाएंगे, उसका तरीका बताएंगे कि कैसे सोएंगे कैसे जागेंगे, बच्चों की तरबियत जो सबसे बुनियादी काम है। और मियाँ बीवी की एक फिक्र के बगैर तरबियत नहीं हो सकती, मियाँ किसी सिमत में जा रहा है, बीवी की फिक्र कोई और है, उन बच्चों की तरबियत नहीं होगी, दोनों की एक फिक्र पर एक नुक्ते पर दोनों का जमा होना कि हमें अपने बच्चों को मुसलमान बनाना है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को जमा किया अपने इंतकाल से पहले, हालांकि वो नबी थे, अपनी औलाद को जमा किया अपने बच्चों को जो बाद में जाकर नबी बने, उनको कहा मा तअबुदून मिन बादी, उनको पूछा हाँ तुम मेरे बाद क्या खाओगे ये नहीं पूछा, तुम मेरे बाद कहाँ रहोगे ये नहीं पूछा, मेरे बाद क्या करोगे नहीं पूछा, ये पूछा मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। ये नबियों की सोच है कि अपनी औलाद को, अपनी औलाद को सही रुख पर डालना, औलाद की तरबियत करना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, बुनियादी जिम्मेदारियों में से है। उनके खाने पीने की फिक्र करना ज़रूर जिम्मेदारी है, उनके कपड़े लिबास की फिक्र, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र, जो इस ज़माने में सबसे बड़ा चैलेंज है माँ बाप के लिए। इस मादी दुनिया में, मादी दुनिया में, लेकिन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, मुश्किल काम नहीं है, बच्चों की अच्छी तरबियत करना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस माँ बाप जो है, माँ बाप वो बच्चों का अमली नमूना है, माँ बाप अमली नमूना, और खुसूसन माँ, क्योंकि बच्चे का ज़्यादा वक्त माँ के पास गुजरता है, बचपने में माँ की गोद में, दिन में पता नहीं कितने घंटे माँ की गोद में गुजारता, आजकल तो गोद तो चली गई, हो ट्रॉलियाँ आ गई सब जगह, जिस गोद में परवरिश होती थी, माँ की गोद जो है, माँ की गोद वो तो तरबियत गा थी, और माँ उसको उठाकर अपने सीने से लगाती थी, तो उसके सीने के अंदर का ईमान, उसका तकवा, उसका सबर, उसका शुक्र मुंतकिल होता था, उसके औसाफ व अखलाक मुंतकिल होते उस सोहबत से। हमेशा दुनिया भर में कोई भी चीज़ जो मुंतकिल होती है कहीं दूसरी जगह पर, वो सोहबत से मुंतकिल होती है, सोहबत से। आज माँ ने गोद से उतार दिया बच्चे को, थक गई हो, बच्चे को गोद से उतार दिया, सोहबत, सोहबत से दूर कर दिया इसको, पता नहीं कहाँ कहाँ भेज दिया उसको, 3 साल की अभी उम्र है, पता नहीं बच्चा कहाँ दिन गुजार रहा है, 3.5 साल की उम्र है और केजी में है, सीनियर और जूनियर में, जो वक्त इसको अपनी माँ के पास गुजारना, एक मोमिन माँ के पास गुजारना था, एक हया वाली माँ के पास गुजारना था, एक सब्र और शुक्र वाली माँ, ये उसके टॉपिक थे अभी पढ़ने के। इस बच्चे को अभी इसके जो पढ़ने के टॉपिक थे वो ये थे कि बच्चा ईमान का कलमा पढ़ता, ये बच्चा सब्र और शुक्र के सबक पढ़ता, ये बच्चा अपनी माँ से हया का सबक सीखता, ये उसके टॉपिक थे बुनियादी। लेकिन मादियत के गलबे ने दुनिया की धुन सवार हुई अपने बच्चे को कुछ बनाने की, तो उस बच्चे को भेज दिया कहीं और, किसी और की सोहबत में दे दिया। इस बच्चे से अब उम्मीद नहीं की जा सकती, ये हमारा नहीं है। हाँ नसलन नसबन हमारा है, लेकिन वो फिक्र हमारी नहीं होगी। इसलिए बुनियादी ज़रूरतें, घर की जो तालीम है और मस्तूरात का जो बुनियादी काम है वही है, घर की तालीम, मस्तूरात का जो मकामी कहो काम या बुनियादी काम कहें, वही असल उनकी घर की तालीम है। जिस तालीम के रास्ते से अपने नस्ल को परवान चढ़ाना है, घर की तामीर है, वो तालीम
कोई बरकत के वास्ते 10-15 मिनट का एक अमल नहीं है, ये तालीम घर की तामीर है कि इस घर में बच्चा पैदा हुआ है, मियाँ बीवी की तालीम हो रही थी, अब बच्चा शरीक हुआ है, अब ये बच्चा इस तालीम में शरीक होकर इस तालीम के रास्ते से बच्चा अल्लाह का वली बनेगा, ये बच्चा हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का मुहाफिज बनेगा, ये बच्चा अपने दीन का सही तर्जुमान बनेगा, और ये बच्चा अपने घर से निकलकर दुनिया के मुल्कों में जाकर दुनिया के नादानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका समझाएगा, जो घर की तालीम के रास्ते से तामीर होती है। और उसकी बड़ी जिम्मेदारी जो है माँ बाप दोनों पर हैं, लेकिन बुनियादी जो जिम्मेदारी वो माँ पर है। हजरत मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है, पहला मदरसा है। माँ की गोद से उसको हया मिलेगी, माँ की गोद से उसको सब्र शुक्र के सबक मिलेंगे, माँ की गोद से उसको सादगी मिलेगी, सादगी जो हमारे इस्लामी मुआशरत का सबसे बड़ा रुकन है, सादा जिंदगी। आज दुनिया में जितनी परेशानियां हैं उसकी सबसे पहली बुनियादी वजह ख्वाहिशात हैं, सादगी के मुकाबले में ख्वाहिशात को लाया गया है। इस्लामी मुआशरत का जुज पाकी है, पाक रहना, उसके मुकाबले में नापाकी को फरोग दिया गया है, नापाक रहने को, नजिस रहने को फरोग दिया गया, और बच्चों को भी पैम्पर्स पहना दिया। ठीक है, सफर में हाजत के तौर पर 2-4 घंटे का सफर था पहना, अभी तो घर में 24 घंटे उसको पहनाए रखा है। उलमा ने लिखा है, उलमा ने, कि शयातीन जो है नापाकी पर आते हैं, शयातीन जिन और शयातीन उनकी खुराक वहां है, तो वो नापाकी पर होते हमेशा, जहां नापाकी होती है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई, हालांकि उस जमाने में टॉयलेट घर में नहीं था, जंगल में जाते थे, लेकिन कहा कि वो जंगल में भी जावे तो वहां जाकर जिस जगह जाना है वहां दाखिल होने से पहले दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी, क्या दुआ है, मिनल खुबूसी वल खबाइस, कि यहां जो खबीस जिन्नात और खबीस शैतान जिन्निया हैं उनसे तो हमारी हिफाजत फरमाना। वो बाहर था टॉयलेट, जंगल में था, घर में नहीं था, फिर उसको उठा के लाए घर के कंपाउंड में, फिर उसको लाए घर में, फिर उसको ले आए घर के कमरे में। अब बताओ सारे शयातीन तो वहीं फिर रहे हैं और सारे घर अभी मुतासिर हैं, हजारों लोग मुतासिर हैं, कि उसके उसका नुस्खा बताया था। ठीक है, अब तो उसको पाक साफ रखना वो अपनी जगह है, हमारा इस्लामी मुआशरा है कि पाक साफ रहना, पाकी पाकी जो है इस्लामी मुआशरे की बुनियाद है, बच्चों को भी पाक रखा जाए, पाक रखा जाए, उसके बड़े असरात होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो ताकीद की कि बावजू रहें, बावजू आदमी पर शैतान ज्यादा असर अंदाज नहीं होता है, शैतान के बुरे असरात से बचने का एक नुस्खा है कि आदमी बावजू रहे, बावजू रहे, वजू की गुंजाइश नहीं, रात में देर हो गई है, कम अज कम तयम्मुम कर लें, नमाज नहीं पढ़नी, अभी मौका नहीं है, सर्दी ज्यादा है, पानी ठंडा है, या सुस्ती ज्यादा है, नहीं वजू का मोहर, तो कम अज कम आदमी तयम्मुम करके उतने दर्जे की पाकी हासिल कर लें, लेकिन पाक रहे हमेशा, बच्चों को पाक रखें, बच्चों को पाकी की तालीम दी जावे, ये हमारी बुनियाद है इस्लामी मुआशरे की। और तीसरी चीज है हया, तीसरी चीज हया है, हया जो इस पर इस्लामी मुआशरे की बुनियाद, इन फजाइल फजाइल की तालीम के जरिए से यही चाहा जा रहा है कि औरतों में, बच्चियों में हया पैदा हो, सहाबियात जैसी, अजवाज मुतहरात जैसी, बनात तय्यबात जैसी हया पैदा हो, और बेहयाई से और बेहयाई के असबाब से नफरत पैदा हो जाए, बेहयाई के असबाब से नफरत पैदा हो, हाँ, वरना उसके बगैर दीन पर जमाव नहीं होगा। सबसे बड़ी बीमारी है ये बेहयाई। हुजूर अल्लाह ताला ने अजवाज मुतहरात से कहा, कर नफी बुयूतिकुन्ना, कि अपने घरों में करार पकड़ी रहो, कर नफी बुयूतिकुन्ना, औरतों के लिए असल करार है वो घर में रहे, घर मैनेज करें, ये औरत की जिम्मेदारी है, औरत की जिम्मेदारी है घर मैनेज करें, घर का निजाम संभाले, दाखिली निजाम, अंदर का निजाम औरतों के जिम्मे की, बाहर कमाना, मजदूरी करना, मुलाजमत करना, तिजारत करना, बाहर से सामान लाना, ये मर्दों के जिम्मे है, और घर का निजाम साजगार बनाएं, घर के माहौल को अच्छा करें ताकि घर जन्नत बना रहे, घर जन्नत बना रहे। अपने अल्लाह को, अपने रसूल को राजी करने के बाद औरत के जिम्मे किया को अपने शोहर को राजी रखे, अल्लाह रसूल को राजी करने के बाद अपने शोहर को राजी रखे,
और अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करें अपने, और वो यक्षु होगी तो सब कर सकेगी। अब जिसको यक्षु होकर घर में अपना काम करना था, वो घर में ही नहीं है, वो घर से बाहर है, वो घर से बाहर है, तो वो अपनी ड्यूटी पूरे तौर पर नहीं निभा सकेगी, वो अपने शोहर को खुश नहीं रख सकेगी, वो अपने घर वालों के साथ हुस्न सुलूक नहीं कर सकेगी। औरत के लिए करार पकड़ने को कहा, कर नफी बुयूति कुन्न, और आगे कहा ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, और जैसे दौरे जाहिलियत में औरतें बन सवर कर अपने घरों से निकला करती थी, इस तरह तुम मत निकला करो। और अपने घर में रहकर क्या करना है तो काम बतला रहे अल्लाह ताला, वह अकीम नस्सलात। आज की औरत कह रहे हैं हम घर में रहकर क्या करें, हम घर में क्या करें, तो लगा अकीम नस्सलात, जो सबसे बड़ा काम है ईमान के बाद, नमाज को कायम करें। नमाज कायम करना सिर्फ अपनी नमाज पढ़ लेना नमाज कायम करना नहीं है, अपनी नमाज की फिक्र के साथ अपने घर के मर्दों, अपने घर के बच्चों बच्चियों की नमाज की फिक्र करें, ताकि इकामत सलात हों। वह आती न ज़कात, और अल्लाह ने माल दिया है तो अपने माल की ज़कात अदा करें। वह आती अन अल्लाह व रसूला, और अपने घर में रहकर अल्लाह रसूल की ताबेदारी करें। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अनकुम रिज्स अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह ताला तुमको घर में रखकर कैद करना नहीं चाहता है, बल्कि तुमको खूब पाक रखना चाहता है कि तुम्हारा दामन दागदार न हो, खूब पाक रखना चाहिए। और अगला हुक्म दिया अल्लाह ने, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, और अपने घरों में रहकर अल्लाह की बातों की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बातों की तालीम करती रहो। आयात और हिकमत की बातें उसको अपने घर में रहकर पढ़ती रहो, उसका मुजाकरा करते। वज़कुरना तिलावत का नहीं कहा, वज़कुरना का, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, कि अपने घर में रहकर ये काम करना है। ये जो घर की तालीम है वो ये है, इसके जरिए से घर को तामीर करना है, अपने बच्चों को बनाना है, बच्चों की तरबियत करनी है, ईमानदार बच्चे तैयार करने हैं और बाखलाक बच्चे तैयार करने हैं, खिदमत गुजार बच्चे तैयार करने हैं, जो लोगों के खादिम बनकर जी रहे हों, बाखलाक हों और वो अल्लाह की इबादत करने वाले हों, अल्लाह से डरने वाले बच्चे तैयार करने हैं। ये काम है मस्तूरात का अपने घर में रहकर रोज़ाना करने का। उसके साथ खाना पीना ज़रूरियात है, जमातें जाती हैं, जमातें चार चार महीने की, आपके आप अपने शोहर से अपने भाई अब्बा से जो जमातों में जाते हैं उनसे घर में पूछें कि 12-15 की जमात होती है, 12-15 आदमियों की जमात होती है, कितने बर्तन लेकर जाते हैं? अरे बोलो ना, कितने बर्तन होते हैं? दो पतीले हैं, तो दो चार प्याले हैं, दो चार थाले हैं, चम्मचे हैं, कुछ गिलास हैं, एक एक थैले में आ जाता है सारा सामान, ये ज़रूरत है। 12 की जमात के लिए एक थैले का सामान काफ़ी है, घर में दो मियाँ बीवी और चार बच्चे 6 के लिए कितना सामान काफ़ी हो जाएगा, कि ज़रूरत के लिए उतना काफ़ी है। और कितनी देर में खाना पकता है? जमात में खिदमत वाले खाना पकाते सुबह शाम दोनों वक्त, 1-1.5 घंटे में खाना तैयार हो जाता। हालांकि असबाब कम होते हैं, वहाँ तो रोज़ाना जाकर जगह तलाश करनी है कहाँ पकाएंगे, घर में तो सारा बना बनाया तैयार है। अगर हम अपना निज़ाम ऐसा कायम करें कि हमें खाने पीने के पीछे अपने आप को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, अपनी ज़िंदगियों को सादगी पर लाना है, इस दावत का बुनियादी मकासद में से एक मकसद ये है कि हम जिस मेयार पर हैं उस मेयार से धीरे 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 नीचे आवें, नीचे आवें, हमारे खाने पीनों में और हमारे लिबास में और हमारे रहन सहन में सादगी, जब तक सादगी ज़िंदगी में।